यह धतूर का पेड़ है। यह भोले बाबा को चढ़ता है और इस समय यह फूल ले रहा है। आपको मैं अवलोकन करा रहा हूँ, देख लीजिए। मैं जेपी यादव वृक्षों के प्रति कुछ न कुछ वीडियो आप सब बीच में लाता रहता हूँ और आप सबको दिखाता रहता हूँ। अब ये सब भी धीरे धीरे विलुप्त हो जा रहे हैं, मिलेंगे नहीं। एक कहानी है जिसमें एक रचना है, उसमें लिखा गया है, कनक कनक ते सौगुनी मादा के अधिकार, का पाए जग बौराए, का खाए जग पगलाए। तो इसी का एक जिक्र किया गया है कि धतूर खाने से लोग पगला जाते हैं, ज़्यादा सेवन करने से, और सोना पाने से भी पगला जाते हैं। तो ये आप इनके फूल हैं, आप फूल को नज़दीकियाँ से देखें, इनके और यह इनके फल है। मैं फल है आपको दिखा रहा हूँ, ये फल है, फल लग रहे हैं। और ये भोले बाबा को चढ़ता है ये फूल भी, फल भी। और मैं मदार का भी अवलोकन कराता हूँ, जो भी वह भोलेनाथ का चढ़ता है। ये आप देखिए मदार है, ये फूल लिया हुआ है। इनके फूलों का भी अवलोकन कराता हूँ दोस्तों। यह पर्यावरण के हमारे हिस्से हैं, यह एक प्रकार से लाभकारी भी है। मैं देखा हूँ, जब मैं छोटा था तो पलई चलती थी जिन बच्चों की, तो मेरी दादी माँ क्या करती, इसको सेक से पलई पर चिपकाती थी और जिससे वो गति टीम हो जाती थी। और दूसर का यह जहर है, इसकी अगर दूध आँखों में लग जाता तो आँखों को ख़राब कर देता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का केमिकल टाइप का दूध पाया जाता है। अब यह इनके फूल फल लग रहे हैं, मैं फल आपको नज़दीकी यहाँ दिखाता हूँ। यह फल है और ये देखिए आप लोग, यह फल है लग रहे हैं, छोटे छोटे फल हैं। अभी बड़े बड़े हो जाएंगे और उड़ते हैं, इसके फल कौवा की तरह रहते हैं और उड़ते हैं। बीच में मैं भटकैया का जिक्र कर रहा हूँ, और कटीलेदार होते हैं इनके भी जो है, ये भी जड़ी बूटियों के काम में आती है। उनके फूल को आप अवलोकन करिए, कितनी नीला और सुंदर और अच्छा फूल है। जो आप देखिए, यह फूल है, इसमें गोले गोले से फल रखते हैं। यह भी एक आयुर्वेदिक पेड़ है और औषधि है। यह तुलसी का पेड़ है, अपने आप से उगी हुई है, जमी हुई है। और इसी के बीच में चमेली जैसा महकता फूल है, है? और ये बहुत अच्छा महकता है चमेली जैसा। इसका महक टाइम टेबल पे है, यह 8 बजे शाम से महकता है और सुबह 8 बजे तक। बहुत सुंदर महक है इसकी, इसके अगल बगल महकता है। और इसकी पत्ती कुछ दूसरे टाइप की है, चमेली जैसा नहीं रहती, इसकी पत्ती चिकनी होती है, पर ये छोटी छोटी दिल की तरह इसकी पत्तियाँ होती हैं। इसी है। और मैं एक पेड़ का जिक्र करता हूँ जो बैंगन की तरह होता है, और वह पेड़ आप देखेंगे तो ज़मीन में छिछलता है, और यह पेड़ बैंगन की पत्तियों की तरह रहता है।
और फूल वैसे ही है जो अभी भटकैया उसको दिखाया, सेम उसी तरह फूल है। इसका फूल का अवलोकन आप करिए, ये उसी तरह से ही है जैसे रहता है। यह भी गोला गोला बैंगन की तरह फरता है, फलों में भी कांटे रहते हैं और वह कांटे जो हैं जो होता है तो लोगों को दर्द करता है। अब यह बाग है, बाग में ये सब सारी चीज़ें हैं। यहाँ मेरा घर बन रहा है तो हम ये छोटी छोटी भी, और यह घास बहुत नुकसानदायक है फसलों के लिए भी, कितना ज़्यादा नुकसानदायक है। इस घास को पता नहीं क्या कहते हैं, यह गेहूँ के साथ अमेरिका से आया है, अमेरिका की साजिश रही होगी जो अपने देश में दे दिए, पर यह बहुत नुकसानदायक है घास है। यह बाग है, बाग में पानी भर देता हूँ पक्षियों को पीने के लिए, थोड़ा मैं पर्यावरण के प्रति जागरूक रहता हूँ, पेड़ों को भी लगाया हूँ और इनकी रक्षा करता हूँ। इनको मैं न मारता हूँ, न किसी भी पशु का या पक्षियों का, जीव जंतुओं का मैं सेवन नहीं करता। मैं अंडा तक नहीं खाता, मैं पर्यावरण की रक्षा करता हूँ। पर्यावरण में चाहे वो अंडा ही हो, हमारे लिए जान के बराबर है। और मैं किसी जीव जंतु को नहीं खाता, मैं सादा भोजन खाता हूँ और पर्यावरण की रक्षा करना चाहता हूँ, पर्यावरण के प्रति मैं अपना जान देना चाहता हूँ, बस और कुछ नहीं इस जीवन में। भाई मेरा स्नान कर रहा है, काम पे जाएगा। और धन्यवाद दोस्तों, यह जयदीप कुलदीप चैनल में आपका स्वागत है। और उसमें आप जो है सब्सक्राइब करेंगे, मैं ज़मीन के प्रति आपको वीडियो में लाता रहूँगा, जो ज़मीन के प्रति, ज़मीन की हकीकती के प्रति। ये कोई झूठ फूरा इधर का वीडियो मैं नहीं बनाता। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब पे मेरा मनोबल बढ़ता है और उससे मेरे को व्यू आए या ना आए, या जो देखे वो सही है, पर सब्सक्राइब करने से मेरा मनोबल बढ़ता है कि किसी ने मेरे प्रति मेरे से जुड़ाव रखा। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों में कि जेपी यादव के द्वारा दिया गया वीडियो अच्छा है कि नहीं है, कमेंट भी करें। धन्यवाद।